आपको मिलती रहे और आप मेरे सारे वीडियोस एंजॉय करते रहे। तो आज का वीडियो होने वाला हमारा ह्यूज गाइस, जिसमें मैं आपको बहुत सारी सूट्स एथनिक वेयर की कलेक्शन दिखाने वाली हूँ और सारी कलेक्शन जो भी है बहुत ही स्टाइलिश एंड ट्रेंडी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से सूट आपके लिए लेकर आई हूँ गाइस एथनिक। अगर आपको किसी शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है या किसी भी तरह के कहीं भी जाने के लिए आपको आउटफिट्स चाहिए तो गाइस इसमें आपको डेफिनेटली मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये वैसे तो सारा एथनिक वेयर हॉल ही है बट बहुत ही प्यारे स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न टाइप के बहुत प्यारे प्यारे मिलने वाले हैं आपने। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो जरूर उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। तो सबसे पहले गाइस जो मैंने वेयर किया है, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट वेयर किया हुआ है, सिंपल सोबर सा प्लाजो सूट है ये और बहुत ही प्यारा है। इसका आपको इस तरह का दुपट्टा मिल जाएगा गाइस, और ये कितनी सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो नेक पे हुई हुई है इसकी, रॉयल ब्लू कलर का है और ये बहुत ही प्यारी सी पिंक पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी आपको इसके ऊपर मिल जाती है। ट्रायल में आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है ये वेयर करने के बाद पूरा लुक इसका। तो बहुत ही प्यारा सा प्लाजो इसके साथ आपको मिल जाता है, प्लाजो पे भी आपको सेम एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये आपको शिफॉन का दुपट्टा मिल जाता है गाइस, जिसकी लेंथ भी मतलब ठीक है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तो मतलब ओके ओके सी लेंथ इसकी। तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये सूट है गाइस, आई थिंक 600-700 की रेंज में ये सूट है। तो इतना प्यारा सूट आपको इतनी कम रेंज में मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए ये। तो इन सारे जो भी मैं आपको आगे भी दिखाने वाली हूँ गाइस, तो इन सारे सूटों के जो आपको लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं गाइस की, डेली अपडेट्स मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे डालती हूँ, तो जो आप लोगों से मिस हो जाती है तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये सूट? बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गाइस शरारा सूट हमारा, बहुत ही हैवी सा। तो सबसे पहले मैं उसका प्लाजो आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा उसका प्लाजो, आप देख सकते हो इतना हैवी प्लाजो और पिंक कलर का कंट्रास्ट आपको इसके इसमें मिल जाएगा आपको बॉटम में। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस का प्लाजो, और फुल सिक्वेंस वर्क का इसमें काम हुआ हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सा है। और खूब इसका इलास्टिक वगैरह और आसन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, तो बिल्कुल भी टाइट नहीं कहीं से भी, मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी लूज है, काफ़ी कपड़ा इसमें लगाया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा है ये भी बनाया हुआ, तो बहुत ही प्यारा लगा। इसके बाद अगर हम बात करें शर्ट की गाइस, तो शर्ट भी आपको फुल वर्क के साथ मिल जाती है और स्लीव्स आप देख सकते हो कितनी भरी भरी से वर्क के साथ आपको मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ से मुझे ये टाइट लगी, तो यहाँ से थोड़ा सा इस पर कुछ करना पड़ेगा गाइस, भी कई बार मीशो के कपड़ों में ऐसा हो जाता है। और ये देखिए इसमें आपको इस तरह की लगी हुई लटकन्स भी मिल जाती हैं, ये आप रखना चाहो तो रख सकते हो, रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हैं। और शर्ट के एंड में भी आपको इसी तरह की ये लटकन्स मिल जाती हैं, और पूरी सूट पे आप देख सकते हो कितना भरा भरा सा वर्क हुआ हुआ है गाइस सारी। और बैक साइड आपको इस सूट की प्लेन मिल जाती है और यहाँ पे आपको डोरी भी मिल जाती है, तो अगर चाहो तो आप इन लटकन्स को निकाल के डोरी पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ शर्ट है इसकी। और अगर दुपट्टे की बात करूँ गाइस, तो दुपट्टा भी आप देख सकते हो फुल सीक्वेंस वर्क के साथ आपको मिलता है, फुल सीक्वेंस वर्क का काम हुआ हुआ है इसमें, और पूरा दुपट्टा काफ़ी अच्छी लेंथ में आपको मिल जाता है, और साइड में आपको इस तरह का पिंक कलर का ये बॉर्डर भी लगा हुआ मिल जाता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस एक बहुत ही प्यारा सा गाउन। तो आई थिंक इसमें से थोड़े से स्टोन्स गिर गए हैं, तो ये देखो आप बहुत ही प्यारा सा गाउन है गाइस, और बहुत ही मतलब मैंने बाय किया है। इस तरह की डिजाइनर स्लीव्स आपको इसके साथ में मिल जाती हैं, और स्लीव्स पे भी आप देख सकते हो ये छोटे छोटे से जो है बीट्स लगे हुए हैं, और पूरा आगे फ्रंट में आपको बीट्स का काम मिल जाता है गाइस। और इसका घेरा आप देख सकते हो फुल घेरा मिल जाता है, और घेरे के एंड में भी आपको इसी तरह के ये बीट्स लगे हुए मिल जाते हैं, बीट्स की डिटेलिंग। और पूरे आउटफिट में गाइस आपको लाइनिंग मिल जाती है, तो ट्रांजी होने का कोई चांस ही नहीं है, तो लाइनिंग के साथ आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है। और इतना अफोर्डेबल सी रेंज में अगर आपको स्टाइलिश पहनना चाहते हैं तो कैजुअली आप मार्केट या कहीं छोटी मोटी गैदरिंग में भी इसको वेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपको 1-2 कलर्स और भी मिल जाएंगे गाइस, काफ़ी प्यारा है ये। तो मे बी नेक्स्ट भी मे बी कुछ मोती इसके गिर गए हैं, थोड़े से बीड्स जो आपको आए शायद उसके ना गिरे हुए हों, तो बस इसमें सिर्फ ये है कि थोड़े से हैं, बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मुझे बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही स्टाइलिश लगा ये, तो ये भी आप डेफिनेटली बाय। इसके बाद गाइस पेम्पलम स्टाइल में एक शरारा सूट मैंने बाय किया था, तो वो आपको दिखा देती हूँ। तो उसका ये रहा शरारा, तो इस तरह का शरारा आपको मिल जाएगा, और शरारा के बॉटम में आपको
ये लेस का काम मिल जाएगा गाइस। तो इसका भी अगर मैं इलास्टिक का बात करूँ तो काफी अच्छा इलास्टिक वगैरह दिया हुआ है इसका। और ये आप देख सकते हो पांडवी प्रिंट में मिल जाता है। तो एक पांडवी प्रिंट में मैंने आपको पहले भी दिखाया था जो बहुत ही सुंदर था, वो उसका एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी वो और दुपट्टा आपको मिल जाएगा शिफॉन का, बहुत ही सुंदर लाइट वेटेड। तो ये देखिए कितना प्यारा घेरा है इसके शरारा का भी और इसकी शर्ट का भी, तो बहुत ही प्यारा सा सूट है गाइस। और इतने सुंदर सुंदर कलेक्शन में आपके लेकर आई हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे कैसी लग रही है मेरी लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग कलेक्शन आप लोगों को। और मुझे जहां तक मुझे लगता है तो आई होप आप लोगों को पसंद आ ही रही होगी गाइस। तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए और थोड़ा और मुझे मोटिवेट किया कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि फॉलो करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर जाते हो। बाय बाय। इसका ये आप देख सकते हो कितना सुंदर सी पेम्पलम स्टाइल में आपको मिल जाती है, इसी के तरह प्लाजो की तरह आपको इसमें भी लेस मिल जाती है जो आपने बहुत ही सुंदर लगती है गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका घेरा भी। और पहनने के बाद पूरा सूट का लुक जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें आपको सिंपल सोबर सी इस तरह की शिफॉन की चुन्नी मिल जाती है इसके साथ में आपको गाइस, जो बहुत ही प्रिटी लगती है और बहुत ही ईजी होती है कैरी करने के लिए। इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं होता है कि बार बार गिर रही है कुछ, जैसी मर्जी आप इसको डाल लो और ईजी रहता है आपको कैरी करना इन ऐसे दुपट्टों को। तो नेक्स्ट भी एक बहुत ही प्यारा सा अनारकली सूट है गाइस, जो कि आपको विद दुपट्टा मिलने वाला है। बिल्कुल प्लेन अनारकली है, ये देखो आप छोटी छोटी सी आपको बटन डिटेलिंग इसमें मिल जाती है और फुल स्लीव्स मिलेगी आपको। और स्लीव्स में मिलेगा आपको इस तरह का डिजाइन फुल वर्क गाइस, और पूरी जो अनारकली है आपको ये मिलेगी आपको पूरी सिंपल प्लेन में। और इसका घेरा काफी अच्छा है और इसके अंदर भी पूरे में जो है लाइनिंग लगी हुई है, काफी प्यारा घेरा है इसका गाइस। और इसमें आपको छोटी छोटी डोरीज भी लगी हुई है, तो डोरी मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी इसकी, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा आपको सूट मिल जाता है, पूरा घेरा मिल जाएगा इसके साथ में आपको। और इसके साथ में आपको बॉटम में मिल जाती है ये सिंपल सी प्लाजो। अगर ये ना वियर करना चाहो तो कंफर्टेबल ये आप कोई लेगिंग के अंदर से वियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिखने वाला नहीं है, ये फ्लो टच है। तो इस तरह की सिल्क टाइप में आपको इस तरह की प्लाजो इसकी मिल जाती है, स्ट्रेट पैंट टाइप में। तो ये भी अगर आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो गाइस इसके साथ में, कौन सा इसके अंदर वैसे भी दिखने वाली है, फुल फ्लो टच है ये। तो इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल, तो ये रहा इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा गाइस। और ये देखिए सबसे प्यारा तो इसका ये लेस है, जैसे बहुत पुराने टाइम में इस तरह की लेसेस होती थी ना, उस तरह की लेस इस पे लगी हुई है। और बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है फुल एम्ब्रॉयडरी वाला, तो बहुत ही सुंदर लगता है। प्लेन अनारकली सूट है और उसके साथ में हैवी दुपट्टा है गाइस, तो काफी स्टाइलिश एंड ट्रेंडी लगता है। और ये सूट काफी ज्यादा वायरल भी रहा है, तो बहुत ही प्रिटी सूट है, आप इसको डेफिनेटली किसी भी फंक्शन या वेडिंग फंक्शन में ले सकते हैं। और लास्ट गाइस बट नॉट द लीस्ट, हमेशा की तरह ये ड्रेस है लास्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सी ड्रेस। तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर एंड स्टाइलिश भी है गाइस। ये देखिए इसके साथ आपको मिलता है इस तरह का क्रॉप टॉप, और ये है आपके इसमें स्ट्रैप, और इसमें आपको मिल जाती है जिप भी। तो अगर आप इसको टाइट करना चाहो, लूज करना चाहो, कर सकते हो। इसमें आपको जिप नहीं मिलेगी गाइस, इसमें जिप नहीं है, नहीं जिप है इसमें, तो इसमें जिप है तो आप इसको टाइट भी कर सकते हो। और ये है फाइनल लुक इसका गाइस, और दो ती जो है इसकी स्कर्ट और जो टॉप है गाइस उसका स्टफ इतना सॉफ्ट और इतना प्रिटी है ना, इतना कंफर्टेबल है, ट्रस्ट मी। मतलब मैं खुद शॉक थी गाइस कि ये मीशो से ही आई है, और श्रग इसका जॉर्जेट में आपको मिल जाता है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और गाइस कोई चांस ही नहीं है कि अगर आपने थोड़ा भी लेटेस्ट ड्रेस को बाय करने के लिए किया तो ये ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी और फिर आप लोग हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी प्रिटी ड्रेस इम्पॉसिबल है गाइस कि आपको कहीं और मिल जाएगी, तो ये मीशो ही दे सकता है। तो फटाफट से बाय कर लीजिए और कमेंट करिए, टाइप करिए लिंक, और लिंक आपको डीएम में मिल जाएगा। बाय बाय। ये धोती पार्ट, तो आप लोगों को मैंने देखा गाइस जब भी मैं अपने चैनल पे धोती वाली ड्रेस डालती हूं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि इस तरह की स्टाइलिश ड्रेस कोई ना कोई आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊं। तो ये रही इसकी धोती गाइस, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो कितनी सारी प्लीट्स इसमें आगे बनी हुई है, तो बहुत ही प्यारी लगती है वियर करने के बाद ये। और इतना सॉफ्ट स्टफ है गाइस, अगर आप फील कर सकते हो देख के तो आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही प्यारा सिल्क सा, सिल्क तो फिर भी हार्ड होता है गाइस, उस तरह मतलब बहुत ही शाइनी सा स्टफ है और बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा स्टफ है ये। तो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है गाइस, अगर आपको पसंद है तो, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी है ये। तो सारी ड्रेसेस बहुत अफोर्डेबल रेंज में गाइस, बहुत भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये सारी ड्रेसेस मुझे कौन सी आपको पसंद आई है कमेंट करके फटाफट से मुझे बताइए, और कैसा लगा वीडियो गाइस ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।